हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके घर परिवार को और आपको माँ बाप को खुश रखे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो है दुबई वीज़ा के रिलेटेड। दोस्तों, जो भी भाई मेरा जो है दुबई में फ़ाइन पे, जिसके वीज़ा पे फ़ाइन आया हुआ है, जिसका वीज़ा एब्सकॉन्डिंग है, या जो खली बली में काम कर रहा है, उनके लिए ये वीडियो है। जो भी मेरा भाई जिसके वीज़ा पे फ़ाइन आया हुआ है, या जो वीज़ा पे फ़ाइन आने की वजह से घर नहीं गया है, खली बली में काम कर रहा है, और जो घर जाना चाहता है या अपना वीज़ा स्टेटस जो है वो चेंज करना चाहता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम चालू है, एमएसटी स्कीम, जो कि 1 सितंबर से चालू होगी। ये 4-5 साल में एक बार आती है, पहले 2018 या 19 में आई थी और अभी ये आ रही है। तो उसमें ये है कि आपका वीज़ा पे फाइन है, आपका एब्सकॉन्डिंग्स है, आप खली बली में है, आपके पास वीज़ा नहीं है, तो आप बिना फाइन पे किए, बिना ब्लैक लिस्ट हुए अपने घर जा सकते हैं, या फिर यहीं पे अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करवा सकते हैं। वीज़ा स्टेटस चेंज करवाने के लिए कंडीशन ये है कि आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए, आपके पास किसी कंपनी का जॉब का ऑफर लेटर होना चाहिए, कोई कंपनी है जो आपको ऑफर लेटर दे रही है या जॉब दे रही है, तो आप अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करवा सकते हैं, आप लीगल हो सकते हैं, सही है। और अगर आपके आपको जॉब ऑफर नहीं मिल रहा है कहीं से, तो आप घर जा सकते हैं बिना फाइन पे किया और बिना ब्लैक लिस्ट हुए, आप जो है अपने घर जा सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान जहां भी आपका मुल्क है, आप वहां जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, आपको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा। दुबई में यहां पे काम करने के लिए जो है ना लाजिम वीज़ा चाहिए होता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। दुबई में काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चाहिए होता है, सही है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एजेंट लोग और बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी जो है यहाँ पे विजिट वीज़ा लेके आ जाते हैं और यहाँ पे काम करने लगते हैं। फिर यहाँ पे काम करने के बाद यहाँ का जो अरबाब है, जो ओनर है, बहुत बार क्या है कि वीज़ा नहीं देता, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं देता है, आपको विजिट वीज़ा के ऊपर ही काम करवाता है, तो सही है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप विजिट वीज़ा पे काम करते हैं ना, तो आपका कोई भी राइट नहीं होता है, कोई भी आपका अधिकार नहीं होता है, कोई भी आपका राइट नहीं होता है, आप लीगली कुछ भी नहीं कर सकते, सही है। तो दोस्तों, ये सूचना, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, और ये जो इस सूचना का जो डिटेल है आपको जो है आपको मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में भी मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं खलीज टाइम के रिपोर्ट और उसका आर्टिकल्स। बाकी भाई को दुआओं में याद रखें, सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।